क्या हुआ? आज भी चला जा, नहीं तोड़ना। क्यों? फिर क्या तोड़ोगे? क्या तोड़ोगे? किराए क्या करने थे? देख रहे तो वहां जाके बैठते ना, यहाँ क्या तोड़ रहे? बैठ के देख रहे, नीचे बैठ के देखो। चलो कुछ राजा ऐसे भी आए थे जिनके कछ विचार मनवाही, चारों सभी मही को न जाने। हरियाणा तो मियां चन्नू में पाकिस्तान में पढ़ता था, यहीं से ऐसा है। क्या कर रहे हैं? अपने तो तोड़ना नहीं है, क्योंकि तू तोड़ेगा तो तू खुद टूटेगा। जल्दी कर ले महाराज। क्या आइए, कहा से आप? हमें तो ना कुछ मल्ले ही लेके बैठ गए। कोई इंद्रपुरी मल्ला, कोई बंद गेट, कोई घंटाघर चौक। कोई घंटाघर चौक से कोई नहीं है। चलो क्या करना है? ये तोड़ना है क्या? तोड़ना है जाएगा आपसे। चलो कोई बात नहीं। तो सब प्रयास कर रहे हैं, बड़ी दूर दूर से राजा महाराजा आए हैं। राजा तो गए, राजा गए, घर के राजा रह गए हैं। आप भी हो? शिष्या का राजा हूँ मैं, रिदम है मेरा नाम। ये धनुष को तोड़ना पाए हाथ का है मेरा काम। अब बच्चा कह रहा है कि रिदम, मेरे को समझ आया चिलम। नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिदम जो है ना किसको कहते हैं पता है? म्यूजिक को रिदम कहते हैं? नहीं, म्यूजिक को रिदम नहीं कहते। हाँ, जो म्यूजिक में ट्यून होती है उसको रिदम कहते हैं। अब चलो कोशिश करो। तोड़ना मेरा काम नहीं, जोड़ना मेरा काम है। टूटे हुए दिलों को जोड़ता हूँ मैं, क्योंकि रिदम मेरा नाम है। क्या बात है? अगर यही ख्याल हर आदमी के मन में आ जाए कि मुझे जोड़ के चलना है, तो कोई चीज टूटेगी नहीं। जब टूटेगी नहीं, तो जो भाईचारा, सद्भावना, सामंजस्य और स्नेह बनतेगा, वो एक मिसाल होगा सनातन धर्म की सारे विश्व के। होशियार, 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 होशियार। राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, महाराजाओं के राजा, महाराजाओं के राजा, रघुपति, रघुपति, रावण, रावण, हार रहे हैं, हार रहे हैं। होशियार, होशियार, अमर अमर राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, रघुपति रावण, हार रहे हैं। लहराएगी मेरे आकाश के ऊपर।
मैं कंठ बनाऊंगा कैलाश के ऊपर, सात समुद्रों का पानी होगा मेरे चरण धोने में, मेरा ही नाम गूंजेगा कोने कोने में, कोने में। क्यों रे राजा जनक, देश देशांतर के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा, क्या कारण है कि हमें निमंत्रण नहीं भेजा? मैं जवाब दूं। महाराज, आपका हमें पता ही मालूम नहीं था। पता ज्ञात नहीं था? श्री श्री 108 महर्षि विश्वरूपा के पुत्र श्री श्री 1000 आए महाराजाओं राजाओं के महाराजा लंकपति रावण का तुम्हें पता ज्ञात नहीं था? यदि एक निमंत्रण पत्र समुद्र में फेंक दिया होता देवता की क्या औकात कि वो लंका में ना आता? यदि एक निमंत्रण पत्र वायु में छोड़ दिया होता तो वायु देवता की इतनी शक्ति नहीं लंका में ना आता। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही जगत महेश, महेश मैं त्रिलोकी स्वामी लंकपति लंकेश। राजा जनक, तूने ये स्वयंवर रजाकर इन अनजान छोकरों को बुलाकर जो स्वयंवर सिद्ध करना चाहा है ये इन अनजान छोकरों के औकात नहीं। कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को दुनिया में कौन जानेगा रावण के काम को, कर सकता नहीं कोई मेरे बिना, ध्यान से निकाल दीजिए खयाले धाम को। हे धनुष, मैं तेरी ओर आता हूं और देख तेरे टुकड़े बनाता हूं। हेलो, रावण तेरी लंका में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, रावण तेरी लंका में आग लग गई, आग लग गई, तेरी बहन स्वरूप लगा को राक्षस उठा कर ले जा रहा है, जा रहा है, रावण हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। नहीं मेरा नाम लेकर किसने पुकारा, किसने पुकारा, किसने पुकारा? अच्छा सीते, 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 याद रख आज तू स्वयंवर में मेरे द्वारा नहीं जीती गई परंतु भविष्य में रावण द्वारा आश्चर्य जीती जाएगी और लंका की पटरानी कहलाएगी, कहलाएगी, कहलाएगी। जय शंकर। क्या जिन बहादुरों ने
पृथ्वी पर बड़े बड़े काम किए, वह सब कार हो गए। अफसोस कि पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई। क्या क्षत्रिय वंश का अंत हो गया? क्या क्षत्रिय केवल नुमाइश और दिखावे के लिए ही रह गया है? अगर अगर मैं पहले से ही जानता तो स्वयंवर के इरादे की हरगिज न ठानता। अब आप जाइए अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाइए और घरों में बैठकर शेखियां जताइए। गुरुजी, भ्राता जी, इस समय दास की ठिठाई क्षमा हो। महाराजा जनक ने ऐसे अनुचित अपमानित शब्द इस भरी सभा में कह डाले। मुझे आश्चर्य होता है महाराजा जनक को यह नहीं मालूम कि यहाँ रघुवंशियों के एक नहीं दो दो वीर खड़े हैं। हम जहाँ पर है खड़े रघुवंशियों के वीर हैं। अनुचित कहीं राजा जनक बैठे जहाँ वीर है। इस भरी सभा में इतने बड़े बड़े नरेशों के आगे बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। धन्य हो वीर श्रमणी पुत्र, तुम धन्य हो। तुम्हारा इतना साहस भी कुछ कम नहीं। परंतु बेटा, यह कोई गन्ना या नाई की कलम नहीं। इसका चिल्ला चढ़ाने के लिए एक नहीं हजार हजार हाथियों का बल चाहिए। टेढ़ा वक्त चुबान से हो ना नहीं ये, बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है। खिलौना ना सही, बजर ही सही। बजर क्या बजर से अधिक शक्ति में हो जाए। लेके चुटकी में मसल दू तो बुरादा हो जाए। गुरुजी, भ्राता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। शांत बेटा, शांत। नहीं, शांत के बदले हाँ कह दीजिए। ये देखने के वीर है, बाकी जहान में दम कम ही क्या है इस पुराने कमान में। यदि आपकी आज्ञा हो तो इसका चिल्ला चढ़ाऊं और राजा जनक का संदेह मिटाऊं। गुरुजी, आज्ञा आपकी है सर आंखों मंजूर। अब तक तो मैं चुप रहा था, मैं भी मजबूर। आशीष हो यदि आपका सदा ही मेरे साथ। मुश्किल यह कुछ भी नहीं है, मामूली बात। बेटा जीते रहो, यह उत्साह रघुकुल ब्रह्मचार्य का बल है। बेटा राम, ध्रुस का चिल्ला चढ़ाइए और राजा जनक का संदेह मिटाइए। जो आज्ञा हो गुरुदेव। उठाऊ राम भजऊ भव चापा। धनुष की आवाज सुनकर दिल ना दहल जाए कहीं। जिस्म को काबू में रखना जान बचाने के लिए। सुन गुरु वचन चरण देखो
बड़े ही सह स्वभाव के साथ श्री राम ने गुरु आज्ञा से खड़े होकर और बड़े ही मदमस्कार में धनुष के समीप जा रहे हैं। मानो मदमस्त हाथी उस धनुष के समीप जा रहा हो। गुरु ही कुलगुरु वशिष्ठ को मन ही मन में प्रणाम किया। हे गुरुदेव, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आज ऐसा कार्य करने के लिए जा रहा हूँ जो किसी राजा से नहीं हुआ। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की यहां से आगे दर्शन करेंगे। राम जी ने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है जो किसी से नहीं हुआ, वो राम जी ने कर दिया। और वैसे भी राम जी रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, स्त्री के सामने झुकते नहीं है। सिया जयमाला लिए खड़ी हुई है और सखियां उनसे विनय कर रही है, हे राम जी, हे रघुवर जी, हमारी जानकी, हमारी सिया बड़ी ही सुकोमल है, सकुमार है, आप तनक झुक जाइए। उनसे प्रार्थना किया, झुक जाइयो तनक रघुवीर
ये बड़ा ही सुंदर जयमाला का प्रसंग भी उठ करके नहीं जाएगा अभी आपके सामने हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई जो मैंने सीता के सौंदर्य का पहन लिया था वह सब सफल हो गया भगवान प्रणाम भगवान प्रणाम मिथिलापुरी में आपका स्वागत है आयुष्मान भव अभिनंदन है आपका ऋषिराज नमस्तुभ्यम ऋषिराज नमस्तुभ्यम आज यहाँ पर कोई विशेष उत्सव मनाया जा रहा है या फिर किसी के विवाह का आयोजन चल रहा है भगवान आपके आशीर्वाद से मेरी पुत्री का स्वयंवर पूरा हुआ इस स्वयंवर में मेरा यह प्रण था कि जो इस शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वह सीतापति कहलाएगा अरे शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा शिव धनुष भंग हो गया हमारे आराध्य भगवान शिव का धनुष भंग हो गया किसने ये दुस्साहस किया और जनक जनक जल्दी बतला ये धनवा किसने तोड़ा है किसने से मरने सीता से नाता जोड़ा है जल्दी जल्दी उसकी सूरत दिखना मरने सब चौपट कर डालूंगा जितनी पृथ्वी पर राज तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा महाराज यह शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा जिसने यह कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा जो कृपा पात्र हो गुरुओं के वह कब किससे डर सकते हैं जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकते क्या कहा सेवक सेवक वो होता है जो केवल मात्र सेवा करे और जो छत्रतापूर्ण व्यवहार करे वो निश्चित ही दंड देने योग्य है और जिसने भी हमारे अर्थ भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र भावों की भांति हमारा शत्रु है मेरा संशय मिट गया महाराज परंतु हमारा संशय भी नहीं मिटा वो कैसे मिटेगा अनुज लक्ष्मण आपकी जान लेकर अरे अनुज लक्ष्मण आप तो सचमुच ही बड़े चंचल और नटखट हैं महाराज
आपको जल्द ही हमारे चंचलता का एहसास हो गया। देख लीजिए थोड़ा सा अगर संशय रह गया हो, बाण अभी कमान पर चढ़ा ही हुआ है। नहीं नहीं अनुज लक्ष्मण, अब तो लेश मात्र भी संशय नहीं बचा। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, राम की शादी है, तेरे भगवान की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, तेलों की केवा सिसिया संग राम की शादी है, आज श्री 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 राम की शादी है। मैं आया दौड़ा दौड़ा राम ने धन बतौड़ा, आके मिथिलापुरी में सिया से नाता जोड़ा, अवध से राजन आए सात परिवार को लाए, जगमग जनकपुरी की देख के सब हर्षाए, देख के सब हर्षाए, भक्ति और शत्रुघ्न भी हुए खुश मन ही मन में, पटाखे फूट रहे हैं, मगन है भाई लखन रे, मगन है भाई लखन रे, सब भाइयों के प्यारे भाई राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। हेलो सुरेंद्र भाई साहब किधर गए, कालड़ा जी साढ़े